हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं SIS लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 412.30 की करंट प्राइस चल रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक में यहाँ पे 1.66% के ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, नीचे के साइड में एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ऑलमोस्ट 400 से लगे 410 का, क्योंकि स्टॉक मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे आने के बाद यहीं पे सपोर्ट ले लेकर ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन की कैंडल भी यहीं पे जो है सपोर्ट लेके बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में यहीं से ऊपर की ओर तेजी, यहीं से ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल सकता है। सेकेंड सिनारियो की भी बात करना जरूरी है। इन केस इसको तोड़ देता है नीचे के साइड में तो फॉल भी देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना जरूरी रहेगा। स्टॉक यहां से बाउंस करेगा तो ऊपर के साइड में ऑलमोस्ट 450 से लेके ऑलमोस्ट 460 के लेवल जल्द ही अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता तो फर्दर 480 के लेवल स्टॉक में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ में MACD इंडिकेटर की बात करेंगे तो MACD इंडिकेटर में बुलिश क्रॉस ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मजबूती के सिग्नल दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट एवरेज देखने को मिल रही है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5943 CR का देखने को मिलता है। स्टॉक में हमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 3 एनालिस्ट हमें यहाँ पे 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी, काफ़ी अच्छा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं PS की। PS के अंदर हमें जो है यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन, साथ ही साथ में KFin टेक्नोलॉजीज रीट्स के साथ में जो इसका कंपेरिजन हो जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं प्राइस कंपेरिजन की तो यहाँ पर आप देख सकते हो KFin टेक में जो है काफ़ी अच्छे बाउंस, काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल चुके हैं एज़ कम्पेयर टू PayTM यानी कि 197 और साथ साथ में SIS में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। उम्मीद यही रहेगी स्टॉक में यहाँ पे आने वाले दिनों में बाउंस देखने को मिल जाए, तेजी देखने को मिल जाए। देखिए दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।